फ्रेंड्स, आज आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हमारा वीडियो कुछ अलग है। आज हम खाना का वीडियो नहीं, आज हम व्लॉग का वीडियो कर रहे हैं। तो हम गए थे जगन्नाथ पुरी, उसका पूरा एक दिन का पहुंचने का व्लॉग मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। पार्ट वन है ये, और इसके बाद और भी ज़्यादा पार्ट्स आते रहेंगे। हमने क्या क्या किया, नहीं किया, आपको इस व्लॉग में सब कुछ पता चल जाएगा। तो हम निकले थे हावड़ा में, क्योंकि हमारी ट्रेन थी 10:35 को रात में, और हमें हावड़ा जाना था। तो हमने कैब ले लिया था। रास्ते में बहुत जैम थी, तो हम लोग डर गए थे कि कहीं लेट ना हो जाए। फिर भी हमारा जो ड्राइवर था वो बहुत अच्छे थे, और उन्होंने हमें टाइम पे पहुंचा दिया था। ये देखिए रास्ते का सीन कितना भीड़ है। मैं जो आपको ये रास्ता दिखा रही हूँ, ये हमारे कोलकाता के हाथी बागान का रास्ता था, और ये अब हम मैं आपको हावड़ा ब्रिज दिखा रही हूँ। देखिए हमारा हावड़ा ब्रिज रात को कितना सुंदर लगता है। साथ ही ये हावड़ा स्टेशन है। हम स्टेशन पहुँच गए थे, हम बिल्कुल 10 पहुँचे थे स्टेशन, और हमारा टाइम भी बहुत सही था। तो हम बहुत ही टेंशन फ्री हो गए थे कि अब हमें ट्रेन अच्छे से मिल जाएगा। तो देखिए हावड़ा स्टेशन घुसते ही हमें कुछ ऐसा नज़ारा मिला, और यहाँ पे लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं क्योंकि सबकी ट्रेन बहुत लेट आती है। तो हमारा ट्रेन लग गया था स्टेशन पे, और देखिए बहुत ज़ोर से अचानक से बारिश भी होने लगी थी, और हमारा कंपार्टमेंट एसी में था, इसलिए हमें थोड़ा स्टेशन से बाहर निकल के जाना पड़ा था। तो देखिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था ये चीज़, सब लोग हाफ भींग ही गए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कैसे भी करके अपना लगेज वगैरह सब कुछ सही करके ट्रेन में चढ़ गए। अब बारी थी सीट ढूंढने की। तो ट्रेन भी इतना छोटा था, आप देख ही सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना कम स्पेस था कि हमें सीट ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। फिर हम सीट ढूंढ के बैठ गए थे, खाना वाना खा लिया था हमने, और हमारी ट्रेन छूट गई। ये देखिए ये रात का व्यू है। मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती, इसलिए मैं सोची कि आप लोगों को दिखाऊं वीडियो कि देखिए रात को। और फिर अब सुबह हो गई थी, तो सुबह भी मेरी नींद खुल गई 5 के आसपास, और हम उतरने वाले थे 7। सुबह भी बहुत सुंदर लग रहा था नज़ारा, ये देखिए काफ़ी अच्छा और ग्रीनरी था बाहर में। और ये हम खुदरा स्टेशन पे पहुँचे थे। ट्रेन 1 लेट हो गई थी, तो कैसे भी करके 8 तक हम जगन्नाथ पुरी पहुँच गए। अब पुरी स्टेशन को देखिए ऐसे सजाया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ही रथ यात्रा हुआ था, तो यहाँ तो सबसे बड़ा होता है, इसलिए स्टेशन को अच्छे से सजा दिया था। और अब हम वेट कर रहे थे हमारे गाड़ी को ठीक करने का, जिससे हम होटल जाएंगे। तो गाड़ी भी ठीक हो गया, और हम लोग होटल के लिए भी रवाना हो गए थे, और ये हमारे होटल में चेकिंग भी हो गया था। और आप देख ही सकते हैं होटल का व्यू क्या है। आज हमने ज़्यादा नहीं नहाया था, तो हम बस बीच पे ऐसे ही गए थे घूमने देखने कि क्या है क्या नहीं। तो हमें यही पता चला कि बीच पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो देखिए सब लोग कितने अच्छे से मज़े मस्ती करके नहा रहे थे। अब मैं ये ब्लॉग को और भी सारे पार्ट्स में कंटिन्यू करूँगी, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉमेंट भी कीजिए। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।